बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम बैक टू द लेक्चर। टुडे वी विल कवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ आवर लेक्चर विच स्टार्ट्स फ्रॉम शेयर एंड मूवमेंट डायग्राम्स फॉर फ्रेम। एंड लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल शेयर एंड मूवमेंट डायग्राम्स फॉर बीम। सो नाउ वी हैव अ फ्रेम। सो आई होप यू ऑल नो दैट फ्रेम इज अ कम्बिनेशन ऑफ like two structural members, and for our ease or for our understanding, if we join two beams, one horizontally and one vertically, or two beams at different angles, then it becomes a frame. But generally, we call it as the combination of two structural members. So here is the frame. We have given frame with multiple load combinations. Like here, this is the model of a frame, and here we have a hinge support, roller support, and here we have a hinge support, and there are two external forces acting on this frame. First one is P2 and the second one is P1, right? So we all know if we remove this, then we have a vertical force, which is AY, and if we remove this one, then we have two forces, that is along horizontal component and along vertical component. So this is a C, so this will be a CX and this will be CY. Now how to solve this frame? In order to solve this frame, we have to split each of the member, each of the structural member into a single component. Like humne har member ko alag alag se deal karna hai aur usko solve karna hai. So जिस तरह से हमने बीम को एक मेंबर कंसिडर करके उसको सॉल्व किया था, इसी तरह यहाँ पे भी बीम वाला ही कंसेप्ट अप्लाई होगा, लेकिन दो मेंबर्स के लिए हम अलग से सॉल्व करेंगे, तो हमारा इस तरह से फ्रेम सॉल्व हो जाएगा। सो अच्छा, यहाँ पे देखें, जो दो मेंबर्स हमने ज्वाइन किए थे, ये हम इसको ना फिक्स सपोर्ट देते हैं। जिस तरह कैंटिलीवर बीम में वन साइड एक साइड से फिक्स सपोर्ट होती है, तो यहाँ पे हम फिक्स सपोर्ट देते हैं। अब फिक्स सपोर्ट जब मैंने कहा कि हम दो मेंबर्स को स्प्लिट करेंगे, तो स्प्लिट करते हुए फिर दोनों मेंबर्स पे, इस मेंबर पे भी तीन फोर्सेस आ जाएंगी, बी एक्स, बी वाई एंड एम बी। सिमिलरली इस मेंबर पे भी तीन फोर्सेस आ जाएंगी, ठीक है, जो के मतलब तीन फोर्सेज इस पे आ गई और इसी तरह तीन फोर्सेज इस पे आ गई, मतलब ये हमने स्प्लिट किया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये फोर्सेस, अब ये बी वाई है, ये भी बी वाई है, दोनों इक्वल होंगी इन मैग्नीट्यूड, बट बोथ विल बी अपोजिट इन डायरेक्शन। सिमिलरली बी एक्स एंड बी एक्स, सेम केस विल बी अप्लाइड टू देम, एंड अगेन एट मोमेंट एट बी, सो बोथ मोमेंट्स विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो किसी एक साइड वाले तीन रिएक्शंस आप फाइंड आउट कर लें, तो दूसरी साइड भी वही होंगे, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी और बाकी एक्सटर्नल रिएक्शंस तो वैसे ही होंगे जैसे हम सॉल्व करते आ रहे हैं। ये वही है, वही चीज है जो हमने यहाँ पे इधर अप्लाई किया था, वही वही चीज इधर भी अप्लाई होगी। तो अब चलें जी, जरा अंडरस्टैंड करते हैं। अब ये देखें, ये बीम है और ये पहले, अब देखें ये है वही फ्रेम का ही वर्टिकल कंपोनेंट है। एक को अगर हम कंसिडर करेंगे तो ऑब्वियसली दिस विल एक्ट एज अ बीम, ठीक है। अब ये उसके बना रहा है क्या, शेयर फोर्स डायग्राम। तो ये देखें, उसने पहले कहा कि P2 लोड जो अप्लाई हो रहा है, तो ये P2 लोड हो गया, ठीक है, डाउनवर्ड है तो फोर्स भी डाउनवर्ड, ठीक है। अब यहां से आगे की तरफ जा रहा है, क्योंकि आगे कुछ यहां से यहां तक कुछ भी नहीं है, तो ये स्ट्रेट लाइन जाएगी। फिर इसी तरह बी एक्स अपवर्ड है, तो अब बी एक्स जो है वो ऑब्वियसली अगर P2 के इक्वल है, तो ये यहां से आके इस इधर मीट कर जाएगा, और ये bx है, ये p2 = bx को कह रहा है कि अगर ये इक्वल है तो ये
ओ आके फिर जीरो हो जाएगा. सो दिस इज द शियर फोर्स डायग्राम फॉर दिस वर्टिकल मेंबर ऑफ फ्रेम. नाउ वी हैव टू ड्रॉ द मूवमेंट डायग्राम. अब अगेन एक चीज याद रखें कि मूवमेंट डायग्राम जो एक्सिस से जो फोर्सेस पास हों उनका मूवमेंट का जो कंपोनेंट है या रिजल्टेंट है वो जीरो के इक्वल होता है. अब यहाँ पे एक्सिस से बी वाई और ए वाई ये एक्सिस से पास हो रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट जो है या कंपोनेंट मोमेंट का वो जीरो कंसिडर होगा. ठीक है. अच्छा अब देखें फोर्स चूंकि यहां से लग रही है तो यहां से ऑनवर्ड हम इस पॉइंट पे मोमेंट देखना चाह रहे हैं. ठीक है. तो इस पॉइंट पे पी टू इंटू जितना यह डिस्टेंस है तो उतना ही मोमेंट हो जाएगा. और इन अदर वर्ड्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि ये जो हमारा स्केयर है या जो एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ दैट विल बी इक्वल टू द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. तो अब इसका एरिया कितना है पी इंटू दिस मच जो भी है. ठीक है. जो इसकी लेंथ है तो यहाँ पे देखें ये पी टू इंटू इंटू ये वाली लेंथ तो ये हमारी जीरो डिग्री कर्व थी और ये फर्स्ट डिग्री कर्व है. ठीक है. तो अब यहाँ से ये मूवमेंट एम बी एक लगा हुआ है. ठीक है. तो ये एम बी जो है इसको बैलेंस करके जीरो कर देगा लाइक इस तरह से. ठीक है. सो दिस इज द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ऑफ वर्टिकल मेंबर ऑफ दैट फ्रेम. नाउ वी हैव टू ड्रॉ द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ऑफ हॉरिजेंटल मेंबर ऑफ दैट फ्रेम. फिर जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारी फ्रेम बन जाएगी. तो सिंपल है कि बीम का अगर को अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया है तो फ्रेम को सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है. बस उसमें अपने मेंबर्स को अलग अलग कंसीडर करके बीम ही की तरह सॉल्व करना है. दैट्स इट. तो इस केस में अब देखते हैं जी हमारे पास फोर्सेज ये चूंकि यहाँ पे हमने इन दोनों को कट किया था इन दोनों को यानी कि सेपरेट किया था अलग कंसीडर कर रहे थे तो यहाँ पे भी वही बी एक्स बी वाई एम बी यही फोर्सेज हैं बी एक्स बी वाई एम बी. और दूसरी साइड पे हमारे पास हिंज था तो यहाँ पे दो फोर्सेज हैं सी एक्स एंड सी वाई. तो ये देखें अब हम शियर फोर्स ड्रॉ कर रहे हैं तो शियर फोर्स के लिए एक बी वाई वर्टिकल फोर्स है हमारे पास और दूसरी है सी वाई. ठीक है. तो ये बी वाई जितनी वर्टिकल थी हम उतना वर्टिकल ऊपर चले गए जितना इसका मैग्नीट्यूड था. ठीक है. और ये फिर आगे कोई फोर्स नहीं थी तो हम स्ट्रेट आगे नीचे और सी वाई डाउनवर्ड लग रहा है तो सी वाई जितना डाउनवर्ड है उतना हम नीचे आ गए. सो बी वाई इक्वल टू सी वाई अगर है तो ये इसको बैलेंस कर देगा. सो दिस इज द शियर फोर्स डायग्राम ऑफ दिस मेंबर. नाउ वी विल ड्रॉ द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम. अब बेंडिंग मूवमेंट में हमने ऑब्वियसली इसका एरिया लेना है तो एरिया कितना होगा बी वाई इंटू दिस मच लेंथ. ठीक है. अब पहले हमारे पास बी एक्स पे मूवमेंट है कुछ. ठीक है. तो बी एक्स पे ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो ऑब्वियसली डाउनवर्ड की तरफ है तो हमने नीचे की तरफ लाइन लगा दी जितना बी एक्स का वो कंपोनेंट था. फिर क्या है जी हम फिर एक फोर्स है कौन सी बी वाई और जो कि अपवर्ड है बी वाई इंटू ये वाली लेंथ और ये क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगी मतलब तो इट मींस कि ये नेगेटिव था मैक्सिमम नेगेटिव में मैक्सिमम था तो अब ये ऊपर जाएगी यूं करके लाइन आएगी इधर. ठीक है. ये इस तरह से तो इस पॉइंट पे हम मूवमेंट चूंकि देख रहे थे तो ये बी वाई इंटू ये वाली लेंथ तो ये यहां से आके जीरो हो गया और ये वाला मैग्नीट्यूड जो था एम बी का था ये वाला. सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द मूवमेंट डायग्राम. ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं. अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे हम. ठीक है. ये था ये वर्टिकल मेंबर था हमारा फ्रेम का और ये हॉरिजॉन्टल मेंबर. तो इसकी देखें ये इसकी शियर फोर्स डायग्राम आ गई ऑब्वियसली ऐसे ही बनेगी. ठीक है. इसी तरह अब इस चीज को हमने इसमें मर्ज करना है इस चीज को ला के इस बी सी मेंबर में मर्ज करना है तो कैसे होगा ऐसे. ठीक है. ये आ गई बी सी की. सो दिस इज द मूवमेंट डायग्राम फॉर फ्रेम. मैंने कहा दोनों को दोनों की अलग अलग से आपने मोमेंट निकाली फिर दोनों डायग्राम्स को मर्ज कर लिए मतलब एक फ्रेम मतलब जिसे कहते हैं कंबाइन करके तो आपने फिर उसकी मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर ली. नाउ लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम. बल्कि मैं इस प्रॉब्लम को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा ये प्रॉब्लम मैं आपको
पेज पे सॉल्व करके बता देता हूँ, बट फिर भी मैं इसका ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, और पेज पे फिर मैं अलग से वीडियो बना के वो आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास पिछली जो फिगर, जो मॉडल डायग्राम थी फ्रेम की, उसमें हमारे पास तीन दो कंपोनेंट्स थे फ्रेम फ्रेम में। यहाँ पे हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हैं, तो हमने क्या करना है कि तीनों को अलग अलग कंसिडर करके तो इनकी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ले और इस इधर ए बी जो मेंबर है इस पे यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है। तो हमें पता है कि एंड रिएक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, वो पॉइंट लोड सेंटर में एक्ट करता है, हम ऑलरेडी अंडरस्टैंड करते हैं इस बात को, और बाकी सिंपल सिंपल चीजें कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। सो ड्रॉ द शियर फोर्स एंड मोमेंट डायग्राम फॉर फ्रेम, अज्यूम ए सी एंड डी आर पिन्ड एट बी इज अ फिक्स्ड जॉइंट। ए सी और डी ये सारे पिन है, इट मीन कि यहाँ पे भी दो रिएक्शंस होंगे, यहाँ पे भी दो होंगे। सी क्या है, सी भी पिन है, बी जो है फिक्स्ड है, तो यहाँ पे तीन रिएक्शंस होंगे, ठीक है। जब हम इसको ए बी और बी सी को जब हम अलग करेंगे तो यहाँ पे तीन रिएक्शंस होंगे, और यहाँ पे हमारे पास पिन है तो सिंपली दो रिएक्शंस होंगे, ठीक है। आते हैं जी इसकी सॉल्यूशन की तरफ, तो ये देखें सबसे पहले हमने जो सिंपलेस्ट मेंबर था उसको सेपरेट कर दिया, डी और सी को, ठीक है। ये 60 किलो न्यूटन मीटर ये मोमेंट इस पे एक्सटर्नली लग रही है, तो हमने इसको यहाँ पे एज इट इज कंसिडर किया। अच्छा ये आ गए जी इस पे दो रिएक्शंस, क्योंकि हिंज को हमने हटाया है तो यहाँ पे दो रिएक्शन ए वाई और ए एक्स, ठीक है। और इसी तरह ये 3 इंटू टोटल लेंथ कितनी है, 12, सो 12 इंटू 3 36, और 36 एक्ट होगी कहाँ पे, एट द सेंटर, और टोटल 12 मीटर है लेंथ, तो 6 फ्रॉम ईच साइड्स, तो ये 36 आ गई इसकी टोटल जो है ना, यूडीएल को हमने कन्वर्ट किया पॉइंट लोड में, ठीक है। सो ये एक पॉइंट लोड आ गया 36 का। इसी तरह अब यहाँ पे भी रिएक्शंस आएंगे, ठीक है, सी एक्स और सी वाई, और सिमिलरली यहाँ पे भी दो रिएक्शन आएंगे, यहाँ पे सी एक्स सी वाई, ठीक है। अब ये सी वाई इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। इसी तरह ये सी एक्स भी, और यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भी दो रिएक्शन आएंगे, ठीक है, डी एक्स और डी वाई। और सबसे पहले अब हमने ये एंड रिएक्शंस कैलकुलेट करने हैं, जो रेड रेड में ये अभी एरोज लगे हुए हैं इनको हमने कैलकुलेट करना है। तो पहले सी एक्स हम निकालते हैं जी 5 है, ठीक है। 5 कैसे आया, कि जैसे भी आया 5 वो हम मैं आपको कैसे बताऊं कि हम जब सॉल्व करेंगे, जब ये मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा, आपको वैसे पता है कि हमने तीन वो रिएक्शन सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 किया है, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 किया है, और सिग्मा मोमेंट इज इक्वल टू 0 किया है, ठीक है। तो ये रिएक्शंस निकालने के लिए हम ये मतलब तीन इक्वेशंस अप्लाई करके हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह सी एक्स आ जाएगा पहले, तो ये सी एक्स आ गया, इट मीन्स कि ये वाला भी आ गया, ठीक है। इसी तरह ये डी सी एक्स और डी एक्स एक दूसरे से को बैलेंस बैलेंस कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली ये सी एक्स भी 5 हो गया, और सी वाई हमारे पास आ गया 42, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये वाला सी वाई भी 42 होगा, और डी वाई भी आई थिंक 42 होगा, ये 42 हो गया, और इसी तरह डी वाई भी 42 हो गया, और ये ए एक्स हमारे पास 41 आ गया, ठीक है। और इसी तरह ये ए वाई हमारे पास -27 आ गया, इट मीन्स कि इसकी डायरेक्शन जो है ना ऑपोजिट होगी, ठीक है। तो अब हमने एंड रिएक्शंस या जो है ना स्पोर्ट रिएक्शन वो कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है। अब हम वन बाय वन इस फ्रेम को लेके इसकी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे। सो ये जो चीज है ये इसका प्रीलिमिनरी है कि आप क्या करते हैं, फ्रेम की जो एंड रिएक्शंस हैं वो कैलकुलेट करते हैं। तो अब हमारे पास एक्चुअल सिनेरियो ये वाला है, तो ए वाई भी हमारे पास है, ए एक्स भी हमारे पास है, एक यूडीएल लगा हुआ है। अब यूडीएल में आपको पता है कि यहाँ पे शियर फोर्स के लिए फर्स्ट डिग्री कर्व बनेगी, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए सेकंड डिग्री कर्व
बनेगी, ठीक है। और इनको आगे एक टर्म आएगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एक जो जो फर्स्ट जो हमारी सेकंड डिग्री कर्व है उसको हम पैराबोलिक कर्व कहते हैं, ये चीज भी याद रखें और अपने पास बल्कि लिख भी लें। सेकंड डिग्री कर्व को पैराबोलिक कर्व कहते हैं, थर्ड डिग्री कर्व को हम क्यूबिक कर्व कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जब इसकी हम शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वो किस तरह से ड्रॉ होंगी, ठीक है। अच्छा, अब हमने चूंकि इधर से इस फ्रेम को ब्रेक की है तो बी एक्स एम बी और बी वाई ये भी हमने फाइंड आउट करने हैं। तो बी एक्स हमारे पास 5 आ गया, बी वाई 27 आ गया, ठीक है, चूंकि ए वाई को ये बैलेंस कर देगा, सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0 की है। बी एक्स हमारे पास 5 है चूंकि हमने इस साइड जो हमारा फ्रेम का सी एक्स था वो भी 5 था, ठीक है, वो इसको बैलेंस करेगा। सिमिलरली एम बी हम कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा मूवमेंट इक्वल्स टू 0 करके तो हमने एम बी कैलकुलेट कर लिया। अब हम मतलब इस तरह से लाइंस लगा लेंगे ताकि हम मतलब बिल्कुल ऑड सीक्वेंस में काम करते रहें और हमारी जो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो एग्जैक्टली उसके रेप्लिकेट हो। तो ये शियर फोर्स वीक से डिनोट करते हैं हम, शियर फोर्स डायग्राम आ गई, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ए एक्स है जो कि वर्टिकल फोर्स है, इस केस इसके लिए इस मेंबर के लिए ये ए एक्स वर्टिकल फोर्स कंसिडर होगी, ठीक है। तो ये कितना है 41। अब 41 अप इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ऑब्वियसली हम इसको 41 अपवर्ड लेके जाएंगे इधर तक, ठीक है। ये हमारा 41 आ गया x। अब आपको पता है कि हमें फर्स्ट डिग्री का यानी कि ट्रायंगुलर फिगर बनेगी, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री इट मीन और इसका पॉइंट लोड जो हमने कन्वर्ट किया था वो 36 था, ठीक है, 36। तो ये यूडीएल है, ठीक है, UDL 36 कैसे कि देखें UDL डाउनवर्ड था, ठीक है, डाउनवर्ड था तो इट मींस के फिर इसमें भी डिक्लाइन आएगा नीचे की तरफ, ये डिक्लाइन मूव कर यानी कि ज्यादा से कम की तरफ मूव कर ले। अब आप 36 में से 41 में से इस 41 में से 36 निकालें तो आपके पास 5 रह जाते हैं, तो इट मींस कि आप यहां पे पहुंच गए, ठीक है। अब 5 इस डायरेक्शन में along this direction 5 kilonewton की force लगी हुई है, तो ये 5 इधर आके इसको बैलेंस कर देगा, जीरो कर देगा, ठीक है, ये 5 तो ये इसने इसको बैलेंस कर दिया। सो दिस इज द शियर फोर्स डायग्राम ऑफ दिस वर्टिकल मेंबर ऑफ फ्रेम। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द मूवमेंट डायग्राम। सो मूवमेंट डायग्राम में ये आप देखें कि ये फ्रेम है, सॉरी ये उसकी फ्री बॉडी डायग्राम है और हमने इसी का एरिया जो है वो एक्चुअली कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास अब दो फिगर्स हैं, आपने ये चीज याद रखनी है। दो फिगर्स कैसे हैं, एक हमारे पास ये 5 मैग्नीट्यूड जितना यहाँ तक, एक है रेक्टेंगल और दूसरा है ट्राइंगल। सो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 5 इंटू दिस लेंथ दैट इज 12 मीटर, और इसी तरह यहाँ पे जो रिमेनिंग ट्राइंगल है वो कितनी है, टोटल 41 है, तो 41 में से 5 रेक्टेंगल वाला निकल गया तो 36 बच गया, 36 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाय 1/9, तो ये इसका ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा, 1/2 सॉरी, तो ये ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा। अब दो फिगर्स हैं तो आते हैं जी इसके मोमेंट डायग्राम की तरफ। अच्छा, एक चीज याद रखनी है, मोमेंट डायग्राम अब देखें, हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि जहां पे शियर फोर्स मैक्सिमम होगी वहां पे मोमेंट मिनिमम होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे शियर फोर्स मैक्सिमम है तो इट मींस कि मोमेंट यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है, तो मोमेंट यहाँ से स्टार्ट होगा। ऑब्वियसली जहां से हमने शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट किया वहीं से मोमेंट भी हम ड्रॉ करेंगे, यानी कि फ्रेम के एक एंड से दूसरे एंड तक हमने इसको लेके जाना है, तो मोमेंट यहाँ से ड्रॉ होगी, ठीक है। तो आते हैं जी मोमेंट की तरफ, ठीक है, ये हमने कर्व लगा दी पैराबोलिक कर्व, पैराबोलिक कर्व तो अपवर्ड है चूंकि, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इसमें ये 276 कैसे आया, 276 कैसे आया, ये वही एरिया है मतलब ट्राइंगल का और रेक्टेंगल का जो एरिया है इनको आप सम करें 276 आता है। तो इस पॉइंट तक ये टोटल कितना मोमेंट जनरेट हुआ, 276।
और ये मैं आपको जिसे कहते हैं जब मैं सॉल्व करूंगा पेज पे, तो मैं आपको उस पे भी बता दूंगा, सॉल्व करके बाय हैंड भी कैलकुलेशन बता दूंगा कि ये 276 कैसे आया। अब हम इस पॉइंट पे पहुंच गए, और ये जो एम बी है ये ऑलरेडी हमारा 276 लग रहा है इस पे, ठीक है एम बी, तो ये 276 को बैलेंस करके इसको जीरो पे ले आएगा। ये 276 देखें ये आ गया। सो दिस इज द मूवमेंट डायग्राम फॉर दिस वर्टिकल मेंबर ऑफ फ्रेम। अब हम देखें वही चीज है, अब हम हॉरिजेंटल मेंबर को कंसिडर करते हैं, ठीक है। और ये जो रिएक्शंस जो यहाँ पे हैं एम बी बी वाई बी एक्स, वही सारे यहाँ पे होंगे, उतने ही मैग्नीट्यूड के यहाँ पे होंगे, ठीक है ये वही चीज। अब चूंकि बी वाई अपवर्ड था तो यहाँ पे बी वाई डाउनवर्ड होगा, सिर्फ इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ओपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये डाउनवर्ड है। सिमिलरली ये इस डायरेक्शन में था बी एक्स, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे मोमेंट था एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज। अब हम ड्रॉ करते हैं जी इसके शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो सबसे पहले शेयर फोर्स, ठीक है, तो शेयर फोर्स यहाँ पे डाउनवर्ड है, ठीक है 27 किलो न्यूटन डाउनवर्ड है, तो हम यहाँ से नीचे आएंगे 27, ये 27 हम नीचे आ गए माइनस के साथ। अच्छा फिर यहाँ पे अब चूंकि इस पॉइंट तक कोई भी फोर्स नहीं है इस पॉइंट तक, तो हम सीधा स्ट्रेट इधर आएंगे, इधर तक ये हम स्ट्रेट आ गए। अब 15 फर्दर नीचे है, मतलब मजीद यहां से 15 और नीचे आएंगे, 15 किलो न्यूटन हम यूनिट्स हम और नीचे आएंगे, तो 15 और आप नीचे आए, ठीक है तो 27 और 15 कितने हो गए 42, ठीक है। अब हम यहां तक कोई कोई फोर्स नहीं है, तो हम यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे यहां तक, ठीक है तो ये आ गए स्ट्रेट 42 माइनस। अब एक 42 पॉजिटिव फोर्स जो है अपवर्ड लग रही है, तो ये इसको बैलेंस कर देगा, तो ये देखें ये 42 अपवर्ड, तो ये हमने इसको बैलेंस कर दिया। सो दिस इज द शेयर फोर्स डायग्राम फॉर फ्रेम। अच्छा अब हम बात करें मूवमेंट डायग्राम की, तो हमें पता है कि मूवमेंट डायग्राम में क्या होगा कि इसका एरिया टोटल, तो इसका एरिया कैसे कैलकुलेट होगा। सबसे पहले हमारे पास ये वाला मोमेंट है, ये वाला मोमेंट कितना है 276 क्लॉकवाइज, ठीक है तो 276 ये हम अपवर्ड चले गए, ठीक है क्योंकि उसी जगह पे मोमेंट है, तो इतने ही मैग्नीट्यूड क्लॉकवाइज है पॉजिटिव है, तो हम इसको इतना ही ऊपर चले गए 276 सीधा सीधा ये वाला मोमेंट, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि पहले हमारे पास ये वाला स्केयर है, पहला ये वाला स्केयर, ठीक है तो इस स्केयर में आप देखें कि 27 इंटू ये वाली सॉरी 27 तो ये इसका मैग्नीट्यूड होगा ये वाला, और ये वाली लेंथ कितनी है दिस इज 4 मीटर, तो 27 इंटू 4 करें कितना आता है, लेट मी कैलकुलेट 27 इंटू 4 सो दिस इज 108, ठीक है तो अब 276 टोटल है, तो इसमें से चूंकि ये माइनस है माइनस में है एरिया, तो यहां से हम इधर इस तरह नीचे आएंगे 108 तक नीचे आएंगे, 108 यानी कि 276 में से 108 माइनस करें तो आप इधर पहुंच जाएंगे, जितना भी 276 माइनस 276 तो ये माइनस 168, तो आप यहां पे कहीं आ जाएंगे और आपके पास 168 रह जाएगा, ठीक है तो ये देखें 168। अब मजीद हमारे पास जो अगली स्केयर स्केयर है या सॉरी या ट्राइंगल है सॉरी रेक्टेंगल है, दिस इज इसका मैग्नीट्यूड कितना है 42 और दूसरी साइड इसकी कितनी है 4, तो आप क्या करें 42 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो दिस इज एग्जैक्टली 168, तो ये 168 बन रहा है, तो इट मींस कि ये नीचे 168 ये भी है, तो ये इसको बैलेंस कर देगा जीरो, ठीक है ये इसने इसको बैलेंस कर दिया और ये आ गया जीरो। सो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ दिस फ्रेम। अब यहाँ पे एक और चीज आप अगर नोट कर लें कि देखें इस फिगर में या इस पोर्शन में शियर फोर्स थी कम, तो बेंडिंग मोमेंट इसी एरिया में ज्यादा थी, ठीक है देखें ये बड़ी फिगर है,
इसी तरह यहाँ पे शियर फोर्स ज्यादा है तो यहाँ पे मोमेंट कम है। नाउ वी हैव द लास्ट मेंबर ऑफ दिस फ्रेम, अगेन ऑन द सेम पैटर्न वी विल ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम। तो ये देख लें आप, ये हमारी जिसे कहते हैं शियर फोर्स डायग्राम है, वैसे ही हमने तीन लाइंस लगा दी ताकि हमारा जो है ये मोमेंट जो है शियर फोर्स और मोमेंट डायग्राम जो है अलाइंड रहे हैं, ठीक है। तो ये शियर फोर्स डायग्राम, अब इसमें हम देखते हैं हमारे पास, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चूंकि हमने दूसरी फ्रेम की दूसरी साइड और फ्रेम का दूसरा लास्ट कॉर्नर ये है तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक 5 किलो न्यूटन इस साइड में हमारा लग रहा है, तो इट मीन के 5 हम इधर आएंगे, ठीक है, 5 किलो न्यूटन, सॉरी माय मिस्टेक, एक ही बात है, आपने इस फ्रेम की जो वो निकालनी है जिसे कहते हैं शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो कहीं से भी इसको ड्रॉ करें बात एक ही है, लेकिन अगर आप यहां से भी ड्रॉ करें तो मतलब मसला नहीं है, सेम सोल्यूशन होगा। मैं जब हाथ से सॉल्व करूंगा तो मैं आपको इधर से सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। तो आते हैं जी, ये 5 किलो न्यूटन, ठीक है, तो अब इस डायरेक्शन में है तो ऑब्वियसली दिस इज माइनस, ठीक है, क्योंकि फ्रेम इसके नीचे आ रही है ना, फ्रेम के जो चीज नीचे है, ठीक है, और यहां से यहां तक कोई भी फोर्स नहीं लग रही, कोई भी फोर्स नहीं लग रही, तो दिस इज अगेन नेगेटिव। और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में 5 किलो न्यूटन की फोर्स लग रही है, सो दिस इज 5 और ये इसने इसको बैलेंस कर दिया। अब इसकी मूवमेंट डायग्राम कैसे बनेगी, अगेन सिंपल, इसका एरिया मूवमेंट डायग्राम, तो मूवमेंट डायग्राम में एक आपके पास यहाँ पे मूवमेंट है, ये चीज याद रखें, एक आपके पास यहाँ पे मूवमेंट है, दैट इज 60 किलो न्यूटन मीटर। तो आप पहले 60 आएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, इधर आएंगे आप 60, सॉरी नेगेटिव यहाँ है तो क्लॉकवाइज ऑब्वियसली पॉजिटिव यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि फ्रेम इस फ्रेम की डाउन दूसरी ऑपोजिट साइड है ना, फ्रेम जो हमारी एक्चुअल फ्रेम थी वो इस डायरेक्ट इस तरह की फ्रेम है, ये इस शेप की फ्रेम है, तो ऑब्वियसली इसके इस साइड जो होगा वो नेगेटिव होगा, वो नीचे आता है, ठीक है, तो ये अब 60 पॉजिटिव है तो ये 60 हम ऊपर चले गए, ठीक है। अब देखें हमारे पास फोर्स ये कितनी कितने की है, 5 किलो न्यूटन की, हम मूवमेंट इस पॉइंट पे देखें तो कितना मूवमेंट आ रहा है, मूवमेंट इज देखें 5 × 12 कितना होता है, 60, तो ये मूवमेंट ये 5 है, हमने वही इसका अगर आप इस स्केयर का आप एरिया लें, रेक्टेंगल का एरिया लें, तो 5 × 12 तो 5 × 60, तो ये 60 यहाँ पे जाके इधर जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से जीरो हो गया, सो ये आ गई इसकी मूवमेंट डायग्राम। अब हम तीनों को अलग अलग से कंसिडर करके तो एक जो है ना मॉडल इसकी फाइनल जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो सिर्फ मूवमेंट डायग्राम्स को हमने कंसीडर करना है, ठीक है, ये आ गई इस मेंबर की मूवमेंट डायग्राम, आपको याद होगा, फिर इसी तरह इस फिगर की, इस बीम की मेंबर की ये वाली मूवमेंट डायग्राम आ गई, और इसी तरह इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में ट्राइंगल थी, ठीक है, इधर आ गए और इस तरह से जीरो हो रही थी, तो ये आपकी फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ दिस फ्रेम, ये ऊपर लिखा हुआ भी है, तो ये अपवर्ड पॉजिटिव है और इसके डाउनवर्ड जो है नीचे वाली साइड नेगेटिव है, ठीक है, वो उसमें हमारी एजम्पशन थोड़ी सी गलत थी कि मैं इस वाले पोर्शन को नेगेटिव पॉजिटिव कंसीडर कर रहा था, अपवर्ड हालांकि फ्रेम के उस साइड ऊपर वाली साइड पॉजिटिव है। ये इसकी डिफ्लेक्शन डायग्राम है, ऑब्वियसली फोर्सेस इधर लग रही हैं तो ये इसको नीचे की तरफ जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी वो उसी डायरेक्शन में उसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो ये इस मेंबर की डिफ्लेक्शन डायग्राम है, इसी तरह इसकी भी इस तरह से होगी, ठीक है, इस तरह से ये देखें ये इसकी डिफ्लेक्शन डायग्राम है, और इसी तरह ये भी इसमें पॉजिटिव मोमेंट है, तो ये देखें
दिस इज द डिफ्लेक्शन डायग्राम ऑफ दिस प्लेन, डिफ्लेक्टेड शेप जिसे कहते हैं. ऑल राइट, नाउ वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. इसमें कुछ भी नहीं है. एक जो चीज आपको ये आपने खुद करना है, वेरी इंटरेस्टिंग. मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट शॉर्ट, जिस तरह पिछला प्रॉब्लम मैंने एक्सप्लेन की है. इसमें एक ही चीज है टोटल, मेंबर हमारा इंक्लाइंड है. ठीक है, मेंबर हमारा क्या है, इंक्लाइंड, यानी कि किसी एंगल पे पड़ा हुआ है. ये भी फ्रेम है. ठीक है, और जो हमारा यूडीएल लग रहा है वो इंक्लाइंड नहीं लग रहा, वो यानी कि नॉर्मल टू द मेंबर नहीं है, मतलब 90 पे नहीं लग रहा है, इस एक्ट नहीं हो रहा. जिस तरह से ये फोर्स, ये आर्टिकुलर न्यूटन की फोर्स जो है बीसी मेंबर पे 90 के एंगल पे लग रही है, इस केस में ऐसा नहीं है. तो हमने क्या करना है कि इस वर्टिकल यूडीएल को, यूडीएल लोड को हमने क्या करना है कि इसको इसके 90 के एंगल पे लेके आना है. तो आपको पता है कि हमने वही साइन और कॉस के साथ मल्टीप्लाई करना होता है. फिर अगेन हमने इसको क्या करना है कि पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है और फिर हमने इसको सॉल्व कर देना है. तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, सॉल्व आपने खुद करना है. मैं अगेन इसको रिपीट करके एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको. ऑल राइट, तो चलें जी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. अच्छा, ये देखें, यहाँ पे हिंज है, इसी तरह यहाँ पे रोलर है, और आपको पता है यहाँ पे एक ही रिएक्शन होगा, सपोर्ट रिएक्शन, दैट इज दैट विल बी सी वाई. यहाँ पे ए एक्स और ए वाई होगा. जब हम इन दोनों को अलग करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास तीन तीन रिएक्शन आएंगे. बाकी ये लेंथ वगैरह सारी गिवन है कि इससे यहाँ तक ये 2 मीटर है टोटल, इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी है, 3 है, और ये 4 है. तो आपको फार्मूला 3, 4, 5 का फार्मूला अगर याद हो, लेट मी टेल यू, वो जैसे कहते हैं ना उर्दू में कुलिया 3, 4, 5. तो ये देखें इस ट्रायंगल की, इसकी ये चीज, ये चीज, ये 3 है, ये 4 है, तो ऑब्वियसली ये 5 होगी. ठीक है, इस तरह से, तो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है. तो ये एंगल हम आराम से निकाल सकते हैं. ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है. हमने इस फोर्स को जो कि ये है, इसको हमने इस डायरेक्शन में लेके आना है. ठीक है, हमने इसको इस तरह से कन्वर्ट करना है, पहले उस एंगल के साथ मल्टीप्लाई करके, फिर जब हम सपोर्ट रिएक्शन निकालेंगे तो इसी को ये फोर जितना भी आएगा, तो फिर हमने इसको एक पॉइंट लोड में कंसिडर करेंगे, तो ये 2.5 इधर होगा और इसी तरह 2.5 इधर पे एक्ट होगा, और फिर हमने कैलकुलेट करना है. तो ये कुछ भी नहीं है इसमें. चलें जी चलते हैं आगे सॉल्यूशन की तरफ. अच्छा, अब ये देखें कि उसने इधर ही इसी चीज को कन्वर्ट कर दिए किसमें, पीछे अगर हम चलें तो ये 40 किलो न्यूटन मीटर, 40 यूडीएल है, और ये लेंथ कितनी है, 3. तो 40 इंटू 3 करें तो 120 बनता है. 120 सेंटर में एक्ट करेगा, यानी कि वर्टिकली सेंटर में एक्ट करेगा. इट मीन कि 1.5 ऊपर रह जाएगा, 1.5 नीचे रह जाएगा. ठीक है, तो ये देखें 1.5 ये डिस्टेंस है, इसी तरह यहां से यहां तक भी 1.5 है. अब आपके पास, अब एक चीज अगर आप देख लें कि देखें वर्टिकल फोर्स भी है, वर्टिकल लेंथ भी है, हॉरिजॉन्टल भी है, तो आप ये एंगल निकाल सकते हैं. तो ये एंगल आ गया, जो भी इधर 10 एंगल यूज हुआ है या जो भी, तो वहां से आपके पास एंगल आ गया 36.87. ऑलराइट, ये मैंने अभी कैलकुलेशन भी की है, ये पॉज करके. तो आप इसको करें 10 इनवर्स ऑफ ये जो एंगल, आप अगर कहें कि आपके पास एंगल 36.87 कैसे आया, तो ये ऐसे आया कि मैं कैलकुल बल्कि हाथ से इधर लिख के बता देता हूँ आपको. एंगल आपने 10 लेना है, तो आप इधर करें 10 इनवर्स ऑफ
आपके पास वर्टिकल लेंथ 10 हमें पता है कि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो परपेंडिकुलर आपके पास कितना है, परपेंडिकुलर इज 3 मीटर, ठीक है, तो 10 इनवर्स ऑफ 3/4, 4 हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो ये 10 इनवर्स ऑफ 3/4 कर लें तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा, दैट इज 36.87 डिग्रीज, ठीक है, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ. So this is how you find angle, right? अब आपके पास आ गया एंगल 36, ये लोड लग रहा है हॉरिजेंटली, ठीक है. अब आपने इस 120 को कन्वर्ट करना है किसमें, इस 120 को एंगल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने आप इसी को जो है ना हॉरिजेंटल बना देंगे या वर्टिकल, जिस भी एंगल में आपने करना हुआ सॉल्व इसको, तो ठीक है. नेक्स्ट स्टेप क्या है जी? अच्छा, नेक्स्ट स्टेप इज कि यहाँ पे हमें पता है सी वाई है, यहाँ पे ए एक्स और ए वाई दो फोर्सेस होंगी, तो हमने वही सिग्मा मोमेंट इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो करके, तो हमने ये फोर्सेस, ये जो एंड रिएक्शन है वो कैलकुलेट करनी है. तो वही तीन देखें आप, सिग्मा मोमेंट इक्वल टू जीरो कर रहे हैं, तो मोमेंट में हमारे पास ये मोमेंट जितने भी जनरेट कर रहा है ये दो फोर्सेज हैं, ठीक है. मोमेंट एट ए हमने जीरो किया, तो ये दो फोर्सेज हैं जो कि इसमें मोमेंट क्रिएट कर रही हैं, तो एक 120 है और एक 80 है, सो 120 इनटू वर्टिकल लेंथ कितनी है 1.5, और ये एक सी वाई तीसरी फोर्स, ठीक है, सो 120 इनटू 1.5, ठीक है, 120 इनटू ये वाली लेंथ 1.5. इसी तरह अच्छा ये इसने ले रहे क्लॉक वाइज नेगेटिव ले रहे, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज पॉजिटिव ले रहे, तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है. इसी तरह 80 जो है ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, सो 80 इनटू लेंथ कितनी है टोटल 4 ये वाली यहां तक, और यहां से यहां तक कितना है 2 मीटर, तो 4 इनटू 6 2 सॉरी, तो ये 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 टोटल हो गया, सो 80 इनटू 6 प्लस सी वाई कितना है, जितना भी हमने फाइंड आउट करना है, सी वाई इनटू टोटल लेंथ कितनी है इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ, दैट इज 4 एंड प्लस 4, सो 8 सी वाई, तो यहां से हमारे पास सी वाई आ गया 82.5 किलो न्यूटन, ठीक है. अच्छा सी वाई आ गया, तो आप अब सिग्मा एफ वाई को जीरो कर दें तो आपके पास ए वाई भी आ जाएगा, ठीक है. ये 82 है, अगर 80 तो अपवर्ड लग गया तो रह गया कितना 2.5. अच्छा सिग्मा एफ एक्स पहले जीरो कर रहे हैं, तो 120 ये अगर उस डायरेक्शन में लग रहा था तो ए वाई ए एक्स ऑटोमेटिकली 120 हो जाएगा. इसी तरह ए वाई जो है इसका ये 80 है और ये 82 है सी वाई, तो गैप कितना रह गया 2.5 का, तो ये देखें ए वाई आ गया हमारे पास 2.5 किलो न्यूटन. अच्छा ये रिएक्शन, ये चीजें हो गई, अब इसमें रहता ही कुछ नहीं है. अब देखें हमने एक इस मेंबर को कंसीडर करना है इसको, और एक इसको करना है, जब इन दोनों को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास तीन रिएक्शंस आ जाएंगे. अगर ये है ये पॉइंट बी है तो यहाँ पे बी एक्स बी वाई और मोमेंट एफ बी, ठीक है, एम बी, तो ये वही चीज है. देखें 120 है, पहले ये 120 को ठीक कर रहा है, ठीक इन द सेंस कि ये इस पे नॉर्मल, इसको एक मिनट में आपको करके बताऊं जरा, ये इसको इस डायरेक्शन में फोर्स को इस डायरेक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहा है, इस 120 को, इस 120 को इस डायरेक्शन में. अब ये वन जब मैं इस डायरेक्शन में लगाऊंगा तो ये ऑब्वियसली 120 तो नहीं रहेगा, ये किसी ना किसी एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये किसी एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 120 के जब मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा. तो अच्छा ये चीज मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आप जब इसको ब्रेक करेंगे तो आपके पास ये तीन रिएक्शंस होंगी, ठीक है, तो आप इनको भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, दोनों साइड पे ये तीन रिएक्शंस होंगी. सिग्मा मोमेंट एट बी इक्वल्स टू जीरो किया तो आपके पास ये दो फोर्सेज हैं जो मोमेंट जनरेट कर रही हैं, मोमेंट एट बी इधर से आ गया, मोमेंट एट बी, अच्छा ये देखें यहां से कर रहे हैं 80 इंटू 2, ये मोमेंट आ गया.
इसी तरह फिर ये 82 है, 82 इंटू फोर, 82 सॉरी 82.5 इंटू फोर, तो मोमेंट एट बी आ गया कितना 170 किलोमीटर मीटर, 170। इसी तरह आप सिग्मा एफ वाई को जीरो कर लें, तो एक एफ वाई में एक हमारे पास बी वाई है और तो बाकी ये दो फोर्सेज हैं, तो ये आ जाएगा सिंपली वही 2.5 का डिफरेंस जो था, 80 अब डाउनवर्ड है, 82.5 अपवर्ड है, तो 2.5 का डिफरेंस, तो बी वाई 2.5 आ गया। इसी तरह आप सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो करें तो एक्स, अच्छा ये यही चीजें यहाँ भी आएंगे, तो एक्स है ही ऑलरेडी जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा, सिग्मा यानी कि बी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अच्छा ये हमारे पास निकल आई, अब हम ये इसके लिए इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसके लिए सॉल्व करते वक्त हम क्या करेंगे कि इस फोर्स को हम कंसिडर करेंगे, हमारे पास जो ये बी वाई है, ठीक है, ये बी वाई हमने इसको ले कन्वर्ट करना है, मतलब वही 36.87 जो एंगल था उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये चीज कि पहले हमारा हमारी डायरेक्शन और थी, अब हमने इसको अकॉर्डिंग टू द बीम के उस एक्सिस के अकॉर्डिंगली हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो बी, ये देखें, बी एक्स साइन और बी एक्स कॉज, साइन और कॉज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपने यानी कि इसको ना कन्वर्ट कर दिया किसमें, हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट में, ठीक है, चूंकि ये मेंबर यानी कि हॉरिजेंटल है, ये जो है इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 36.87 डिग्री, तो वो आपको ऑलरेडी मैंने प्रीवियस अपनी क्लास में ही बताया था कि आप कॉस के साथ कब मल्टीप्लाई करते हैं, और आपकी ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग भी है कि कॉस और साइन के साथ हम कब कब मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा अब ये ज्वाइंट बी पे हम क्या कर रहे हैं, सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो कर रहे हैं, तो एफ एक्स में हमारे पास एक ये कंपोनेंट है बी एक्स कॉज, बी एक्स कॉज 36.87 डिग्री, और दूसरा है बी वाई साइन 36.87 डिग्री, और तीसरी फोर्स हमारे पास बी एक्स इक्वल्स टू जीरो। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन वन, ठीक है, एक आ गई बी एक्स डैश कॉज 36, और दूसरा बी वाई डैश साइन 36, ठीक है। अब हमारे पास सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू जीरो करते हैं, तो इसमें भी वही चीजें होंगी कि देखें ये फोर्सेस हैं, एक बी वाई है 2.5, देखें बी एक्स साइन 36.7, बी वाई कॉज, अब देखें हम एक्स कंपोनेंट देख रहे थे तो एक्स के साथ कॉज आ गया, वाई के साथ साइन आ गया, ठीक है, जब वाई देख रहे हैं तो एक्स के साथ उल्टा हो जाएगा, एक्स के साथ कॉज के बजाय साइन आ जाएगा और वाई के साथ साइन के बजाय कॉस आ जाएगा, और एक और जो हमारे पास 2.5 है कौन सा, ये बी वाई, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे बी एक्स जो था वो जीरो था, तो ये आ गया। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है, तो यहाँ से हम बी वाई डैश और बी एक्स डैश आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, दो इक्वेशन है, दो ही अननोन्स हैं, तो सॉल्व किया जा सकता है इसको, ठीक है, ये हमने साइमल्टेनियसली दोनों को सॉल्व किया, तो बी एक्स डैश हमारे पास 1.5 किलोन्यूटन आ गया, और बी वाई डैश हमारे पास टू, जो साइमल्टेनियस इक्वेशन आप एफ एस सी में कितनी बार करते आ रहे हैं, और बी वाई डैश हमारे पास 2 किलो न्यूटन आ गया, ठीक है, बी एक्स डैश बी वाई डैश, और मोमेंट ऑब्वियसली जब ये सारी फोर्सेस आ गई तो मोमेंट भी आ जाएगा, मोमेंट का तो मसला ही कोई नहीं है, मोमेंट ऑलरेडी बी एम बी पे 170 किलो न्यूटन था, तो वही मोमेंट यहाँ पे भी होगा एम बी डैश पे 170 किलो न्यूटन, ठीक है, और वही चीजें, ठीक है, मोमेंट और 2 किलोमीटर में 1.5 किलोमीटर। अच्छा मेंबर की सारी रिएक्शंस हमने निकाल ली हैं, सारे जो देखें ये फोर्स भी, ये भी, इसी तरह ये भी, और साथ में ये 120 एज इट इज है, इसका एंगल जो है वो 36.87 यहाँ से यहाँ तक, तो अपवर्ड ऑब्वियसली अगर हम ये वाला एंगल निकालें तो 90 माइनस 36.87 होगा, तो ये ये हमारे पास फोर्सेस हैं, हॉरिजॉन्टल एक है 2 किलो न्यूटन, मूवमेंट है 170, और ये वाली फोर्स है हमारे पास 1.5, इसी तरह यहाँ पे 97.5, और चूंकि ये 97.5 कैसे आया, 120 ये वाला, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे एंगल के साथ तो ये 97.5 रह जाएगा, ठीक है,
और इसी तरह 120 को कन्वर्ट किए तो ये आपके पास 70। बल्कि ये पीछे हमने कैलकुलेट किए थे। अच्छा चलें, तो ये आपके पास मतलब आपने इन फोर्सेस इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया इसको। तो ये देखें 120 इंटू साइन 36.87। अब चूंकि हम ये वाला एंगल अगर हम कॉस लें तो कॉस क्या होगा, अगर आप इसके साथ इसको साइन 36.87 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तब भी एक ही बात है, या आप इसको 120 इंटू कॉस 90 माइनस 36.87 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तब भी सेम आंसर आएगा। इस टाइम हमने साइन के साथ एक्स कंपोनेंट दिया है और साइन के साथ मल्टीप्लाई किया है। अगर हम वाई कंपोनेंट लें तो कॉस के साथ 90 में से ये वाला एंगल माइनस कर दें तो ये कॉस वाला आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज, ये अब हमने यूडीएल को कन्वर्ट कर दिया कि फुट, पहले यूडीएल था हमारे पास वन, सो जितना भी था, अब हमारे पास यूडीएल रह गया कितना, 14.4 किलो न्यूटन मीटर। तो अब 14.4 किलो न्यूटन मीटर हमने यूडीएल को कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसकी शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए शियर फोर्स में एक 70 किलो न्यूटन अपवर्ड लगा हुआ है, अपवर्ड। तो ये हम 70 यहां से इधर जाएंगे, अपवर्ड चले गए। अब यहां से इधर आए तो देखें 14.4 और टोटल ये वाली लेंथ कितनी है, ये हमारी ये 5 है, वही जो फॉर्मूला कुलिया जिसे 3 4 5 कहते हैं। तो ये लेंथ कितनी है, 5। 14.4 मल्टीप्लाई बाय 5 आप करें, 14.4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो दिस इज 72। तो इट मीन ये 72 कहीं है यहाँ सेंटर में एक्ट करेगा। ठीक है, 72 यहाँ पे सेंटर में एक्ट करेगा। तो क्या मतलब हुआ कि 70 अपवर्ड है और 72 डाउनवर्ड है। तो ये -2 कहीं यहाँ पे आके ना, ये इसको इधर -2 पे, ये ट्राइंगल इस तरह से बनेगी क्योंकि तो यूडीएल है, तो यहाँ पे आके कहीं 2 पे ये इधर स्टॉप होगा। तो देखें हम ये -2, अब यहाँ से अपवर्ड 2 लग रही है तो ये इसको बैलेंस करके 0 कर देगा, ये 0 हो गया। सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, अब इसी की मूवमेंट डायग्राम, और ये वाला जो एंगल है ये हमने वो दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर कर लिया। इसका 2 ये वाली चीज है हमारे पास, वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल लेंथ है इसकी भी, वर्टिकल है, मैग्नीट्यूड है। तो टोटल लेंथ हमें पता है कि दिस इज 5। तो हमने क्या किया कि इसको कंपेयर किए दोनों ट्राइंगल्स को, तो हमारे पास ये 4.86 मीटर आ गया कि कहाँ किस पॉइंट पे इस ये कट कर रहा है बीम को, यानी कि जो है ना शियर फोर्स अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, वो 4.86 है। अब हमारे पास मूवमेंट डायग्राम होगी। तो मूवमेंट के लिए सिंपल है कि आपने पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालें। एरिया हमें पता है कि टोटल 5 है और यहाँ तक 4.86 है, यहाँ से यहाँ तक 4.86, 4.86 मल्टीप्लाई बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो ये जो पीक है, अब हमें पता है कि जहां से शियर फोर्स जीरो हो, मिनिमम हो, वहां पे बेंडिंग मूवमेंट जो है वो मैक्सिमम होता है। तो मूवमेंट यहाँ पे कितने मतलब वही 70 मल्टीप्लाई बाय 4.86 मल्टीप्लाई बाय 1.2, तो ये करें तो 170.1 मोमेंट आ गया। फिर अगली ट्राइंगल है तो 5 माइनस 4.86 करें तो ये इसका इसकी लेंथ आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय -2 करें और मल्टीप्लाई बाय आप क्या करें 1/2, ये आपके पास इस ट्राइंगल जो नीचे वाली नेगेटिव में है इसका एरिया आ जाएगा। और साथ में आपके पास 170 किलो न्यूटन मीटर पॉजिटिव मूवमेंट मूवमेंट जो है वो एक्ट कर रही है यहाँ पे। तो ये ऑब्वियसली 170 वो वाला और इस ट्राइंगल का एरिया आप इसको सम करें तो ये अराउंड 170.1 या इतना ही आएगा। तो ये इसको बैलेंस करके 0 कर देगा नीचे, देखें 170 कर दिया। ये जो एंगल है मतलब ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया है मतलब 170.1 से लेके आप यानी कि 0.1 सिर्फ इसका एंगल वो बना है 0.1, तो आप यहाँ पे 170 आ गए। अब 170 का सीधा सीधा यहाँ पे मोमेंट है तो यहाँ से सीधी स्ट्रेट लाइन नीचे आ जाएगी, ये सीधी स्ट्रेट लाइन नीचे आ गई। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू ड्रॉ द मोमेंट डायग्राम।
अब हम हॉरिजेंटल मेंबर का की मोमेंट डायग्राम कैलकुलेट करेंगे। ये तो सिंपल सिंपल है, एन रिएक्शन है हमारे पास, यहाँ पे 2.5 नीचे है तो इधर से हम नीचे आ जाएंगे 2.5 नीचे, फिर यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं है तो हम मतलब स्ट्रेट लाइन यहाँ तक आएगी, और 80 अब हमने मजीद नीचे आना है तो 2.5 ये है और 80 फर्दर नीचे आना है तो 82.5 नीचे हो जाएगा 82.5, फिर यहाँ से यहाँ तक कोई फोर्स नहीं है तो स्ट्रेट लाइन, और अब 82.5 अपवर्ड लग रहा है तो ये ऊपर जाके इसको बैलेंस जीरो कर देगा, ये जीरो। इसी तरह मोमेंट डायग्राम में पहले इसका एरिया और फिर इसका एरिया, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाई ये एरिया कितना था, 2 था आई थिंक 2.5, अच्छा सॉरी ये 170 किलोमीटर मीटर यहाँ पे मोमेंट लग रही है, ठीक है, तो ये 170 क्लॉक वाइज है तो हम सीधा अपवर्ड जाएंगे पहले स्ट्रेट लाइन, उसके बाद हम इसका एरिया इससे माइनस करेंगे, क्योंकि ये एरिया ये नेगेटिव में है तो यहाँ से हमारी जो ट्राइंगुलर जैसे स्ट्रेट लाइन है वो इधर लाइन आएगी यहाँ से इधर नीचे, तो माइनस 2.5 × 2 ये हो जाएगा 165 हो गया, ठीक है, यानी कि 3.5 मतलब उसका एरिया बना है इसका, ठीक है। अब फर्दर आपके पास है लेंथ कितनी है जी, मतलब 82.5 इसका मैग्नीट्यूड है और साथ में हॉरिजॉन्टल लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये वाले, तो ये इसने इसको जीरो कर दिया, तो दिस इज द मोमेंट डायग्राम ऑफ दिस मेंबर। अब आप इन दोनों को ज्वाइन कंबाइन कर लें, ठीक है, ये उसका उस इस मेंबर की मोमेंट डायग्राम बनी थी और इस मेंबर की ये बन गई, तो ये दोनों कंबाइन होगी, ये भी 170 170। इट मींस कि यहाँ पे आप देखें बी पे मोमेंट सेम है, इक्वल है, और यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो अब अगर ये 170 और ये 170 ना हो, इट मींस कि आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। सो दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, डरना नहीं है इससे, ये सिर्फ एंगल्स फोर्सेस को हमने एंगल्स के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, एंगल कैसे कैलकुलेट करना है 36.537 या 9 जितना भी है वो मैंने आपको बता दिया, 10 inverse of 3/4, और बाकी फोर्सेस को उन्होंने इस मेंबर के अकॉर्डिंगली उसको सीधा किया हुआ है, कुछ भी नहीं है इसमें। आप ये सॉल्व करेंगे, ये रिकॉर्डिंग मेरी सुनते जाएं, प्रॉब्लम सामने खोलें, सॉल्व करते जाएं, तो इंशाल्लाह ये सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता तो आप मुझसे उसके बाद पूछ सकते हैं, ठीक है। ये हमारे ये इसकी डिफ्लेक्टेड शेप है, फिर इसकी भी इसी तरह इस तरह से बनेगी, ये अच्छा एक चीज यहाँ पे बल्कि आगे आ जाएगी, आगे डिस्कस करते हैं। ऑलराइट अभी तक हमने शियर एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर बीम डिस्कस कर लिया, और अब हम और फिर इसी तरह शियर एंड मोमेंट डायग्राम फॉर फ्रेम दोनों को डिस्कस कर लिया। नाउ वी विल डिस्कस मोमेंट डायग्राम्स कंस्ट्रक्टेड बाय मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन एक मेथड होता है जिससे हम मोमेंट डायग्राम को कैलकुलेट करते हैं, उसमें वही प्लस माइनस वाला चक्कर होता है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। तो ये पहले आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग है, आई नो कि पी अगर मोमेंट फोर्स यहाँ पे लग रहा है तो एल लेंथ है टोटल, तो टोटल मोमेंट इसमें कितना जनरेट हो गया, फोर्स इंटू लेंथ, फोर्स कितनी है पी इंटू एल, तो पी एल इज द मोमेंट, ठीक है। इसी तरह आगे अगर हम जाएं तो ये देखिए पैराबोलिक कर्व, यूडीएल हो तो मोमेंट डायग्राम सेकेंड डिग्री कर्व, या जिसे हम पैराबोलिक कर्व देते हैं, मैंने आज ही के लेक्चर में पीछे रिपीट भी किया है, तो पैराबोलिक कर्व, तो ये हमें पता है कि डब्ल्यू नॉट फोर्स है, टोटल लेंथ के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, डब्ल्यू नॉट इंटू एल, ये आपका पॉइंट लोड हो गया। एक्ट ये कहाँ पे करेगा, एल बाय टू डिस्टेंस पे, हाफ पे, ठीक है, तो डब्ल्यू नॉट इंटू एल फोर्स हो गया और मल्टीप्लाई बाय एल बाय टू करें तो ये इसका मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। सो ये W नॉट L स्क्वायर बाई टू हो गया, तो ये UDL हो तो मोमेंट जो हमें पता है कि पैराबोलिक कर्व या सेकंड डिग्री कर्व। इसी तरह अगर GVL सॉरी
सिंपल मूवमेंट हो तो स्ट्रेट लाइन या जीरो डिग्री कर्व जिसे कहते हैं, सिंपल मूवमेंट था ना, फोर्स कोई भी नहीं थी, सिंपल मूवमेंट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जितना एम नॉट था उतना ही हम ऊपर चले गए, या अगर ये एंटी क्लॉक वाइज पॉजिटिव लिया होता उतना हम ऊपर चले गए। इसी तरह अगर क्लॉक वाइज होगा तो हम उतना नीचे आ जाएंगे, एम नॉट जितना एम नॉट का मैग्नीट्यूड होगा। अब ये जी वी एल देखें, क्यूबिक कर्व, पैराबोलिक पीछे था, ये क्यूबिक है। इसमें हमें पता है कि जो हमारी फोर्स है वो ट्राइंगुलर के इस डायमेंशन से 1/3 पे फोर्स एक्ट करती है। तो अगर हम इसको यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करें तो W नॉट इसका मैग्नीट्यूड है, लेंथ कितनी है टोटल L, तो इसको एरिया के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, W नॉट इंटू L इंटू क्या हो जाएगा कि यहां से L बाय 3, यानी कि एक मिनट में आपको यहां पे बताता हूं जरा, अगर हम इसको कन्वर्ट करें ये हो जाएगा W नॉट इंटू टोटल इंटू L, ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड यानी कि पॉइंट लोड में, और फिर इस ये एक्ट कहां पे करेगा, इस साइड से, यानी कि इस साइड से ये L बाय 3 पे चलेगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, और सॉरी ये तो इसका वो हो गया ना, और ये मतलब इसका एरिया, एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि ट्रायंगल का एरिया होता है W नॉट इंटू L हो गया इसका मैग्नीट्यूड, L बाय 3 डिस्टेंस पे ये एक्ट करेगा, और साथ में हम 1/2 के साथ भी ट्रायंगल के एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके वो उसका एरिया बनता है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, W नॉट ये वाला, W नॉट ये वाला, और L इंटू L, L स्क्वायर, ठीक है, और इसके साथ 3 × 2 = 6। सो ये हमारे पास इसका आपके लिए मूवमेंट बनेगा, ठीक है। अब देखें यहां पे क्या है जी, मूवमेंट जो क्यूबिक कर्व है और इसका मैग्नीट्यूड जो है W नॉट L स्क्वायर बाय 6, ठीक है। ये चीजें आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी होनी चाहिए कि ये कैसे बनता है। तो क्यूबिक कर्व, पैराबोलिक कर्व और सिंपल जो कर्व है या जीरो डिग्री कर्व या फर्स्ट डिग्री, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सेकंड डिग्री कर्व को हम पैराबोलिक कहते हैं और थर्ड डिग्री कर्व को हम क्यूबिक कहते हैं। अच्छा, अब जो मेथड ऑफ सुपरपोजिशन है वो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। ये उसने इस शेप की जैसे कहते हैं मूवमेंट डायग्राम बना दी है, लेकिन कैसे बनाई है, रिवर्स प्रोसेस हम चलते हैं। सबसे पहले उसने क्या किया, मतलब फोर्सेस को सेपरेट कर दिया, देखें ये मूवमेंट्स को हटा दिया, फिर इधर आ गए, इधर आए, इधर, ठीक है। अच्छा, अब देखें सबसे पहले उसने क्या किया कि इस सिंपल बीम को कंसिडर किया, इस बीम को, और इस पे सिर्फ ये एक 20 किलो न्यूटन मीटर जो है ना मूवमेंट लगा दिया, राइट, 20 किलो न्यूटन मूवमेंट ये लगाया, प्लस मतलब अब ये बीम्स को ना सेपरेटली जैसे बाय पार्ट्स या कंपोनेंट्स में अलग अलग करके रिजॉल्व कर रहा है। फिर इसी तरह ये मेंबर लिए, वही बीम ली और उस पर दूसरी मूवमेंट, दूसरी साइड से जो या दूसरी फोर्स या मूवमेंट जो भी लग रही थी वो कंसिडर की, प्लस फिर इसमें ये UDL जो है ना अलग से कर उसको कंसिडर किया। तो आप इसको, इसको और इसको, इन तीनों को ऐड करो तो आपके पास यही डायग्राम बनती है, ऑब्वियसली दिस इज अ पैरेंट डायग्राम, ये चीज बनती है। अब उसने क्या किया कि सुपरपोजिशन में आपने एक मोमेंट कंसिडर किया, उसकी मोमेंट डायग्राम बना दी। अब देखें ये आपने इस तरह कंसिडर किया कि ये जो है ना इस तरफ है, मतलब यहाँ से स्पोर्ट लगी हुई है, तो ये रोलर है, यहाँ पे 20 किलो न्यूटन के का मोमेंट था तो डायरेक्ट मोमेंट डायग्राम बना दी, ठीक है। इसी तरह फिर आपने ये वाली शेप कंसिडर की, इस तरफ 20 किलो न्यूटन मोमेंट थी तो आपने यहाँ पे ये शेप ड्रॉ कर दी। फिर आपके पास ये UDL था और UDL की मोमेंट डायग्राम आपको पता है कि पैराबोलिक कर्व बनती है, ठीक है। सो देखें अब ये 90 कैसे आएगा कि 5 आ गया इसका मैग्नीट्यूड, 12 5 × 12 = 60 होता है, ठीक है।
अच्छा, अब ये 90 कैसे आया? ठीक है, 90 के 5 × 12 ये आ गया 60, तो 60 आ गया इसका, एक मिनट, 60 आ गया इसका पॉइंट लोड। ठीक है, पॉइंट लोड। अब हमें पता है जो पॉइंट लोड है वो एक्ट किधर करता है, कि 6 मीटर फ्रॉम इस तरफ और 6 मीटर इस तरफ से। ठीक है, तो 60 12 × 5 60 हो गया, 60 × 6, 60 × 6 कितना होता है, 360। ठीक है, 360। अब एक और चीज कि पॉइंट लोड अगर एक और सिंपल बीम हो, ठीक है, सिंपल बीम 60 उस पे पॉइंट लोड लग रहा है, तो ये जब सपोर्ट रिएक्शन हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता है कि सिंपल एक बीम है जिसके सेंटर में 60 किलो न्यूटन क्या लग रहा है, 60 किलो न्यूटन लोड है, और उसके एंड रिएक्शन हमें पता है कि ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, क्योंकि सिंपलेस्ट बीम है, इसको बैलेंस करने के लिए ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा। ठीक है, तो इट मींस के हमारे पास, एक मिनट मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, इट मींस के हमारे पास ये भी 30 है और ये भी 30 है। अब अगर आप इसकी मोमेंट डायग्राम कैलकुलेट करें और मिडल में लोड लग रहा है, ठीक है, मिडल में लेट से ये मिडल है, ठीक है, मिडल में लोड लग रहा है, पॉइंट लोड दैट इज 60। ठीक है, तो आप अगर मूवमेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो देखें, मिडल का मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है ये 6 है, इसी तरह ये जो डिस्टेंस है ये भी 6 है। ठीक है, तो 30 इंटू कितना हो जाएगा, 30 × 6 डाउनवर्ड है, ऑलराइट जी। अच्छा, ये मैं चीज सोच रहा था इसलिए मैंने इसमें पॉज लिया था, वो ये कि इस तरह से आपको अगर मैं देखें, पहले अगर इस चीज को कि ये जो मूवमेंट डायग्राम 90 मैक्सिमम जो है सेंटर में, ये कैसे बनी, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले इसका इसकी शियर फोर्स डायग्राम बनानी होगी, यानी कि इस फिगर की शियर फोर्स डायग्राम। तो अगर लेट से मैं शियर फोर्स डायग्राम यहाँ पे हाथ से बनाने की कोशिश करूं, तो देखें अपवर्ड मेरे पास कितनी फोर्स है, ये 30 है, चले यहाँ पे ये तो कंसिडर नहीं होगा ना, क्योंकि शियर फोर्स में फोर्सेस तो नहीं हम लगते हैं। ठीक है, अच्छा ये 30 है, तो मैं 30 जाऊंगा, चूंकि मेरा ये जो चीज है ये वाली, ये 30 है, तो मैं अपवर्ड गया कितना 30, और सेंटर में मैं आया, जब सेंटर में ये, तो सेंटर में लोड लग रहा है कितना यहाँ पे 60 का, तो इट मींस के यहाँ पे 60 है, तो मैं आऊंगा किधर, यहां से चूंकि यूडीएल है तो शियर फोर्स इसकी ट्रायंगुलर बनेगी, तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे ये 60, यानी कि टोटल था यहाँ पे इस एरिया पे 60 का 60 किलो न्यूटन लोड लग रही थी सेंटर में। ठीक है, तो 30 में अपवर्ड गया, फिर सेंटर में आके 60 का लग रहा है, तो उतना ही 30 फिर मुझे नीचे जाना पड़ेगा, तो ये अब -30 हो गया। ठीक है, -30। अब यहां से 30 एक फोर्स इधर से, ये देखें ये 30 एक फोर्स जो किधर लग रही है, अपवर्ड लग रही है, तो यहां से ये 30 फोर्सेस जो है ये इसको बैलेंस कर देगा। ठीक है, तो ये आ गया प्लस में और ये आ गया माइनस में। अब आपने शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर लिए, अब आपको इसकी मूवमेंट जो डायग्राम है, जो ये 90 ये बनी है, इसको अंडरस्टैंड करना इजी है। तो आपको पता है कि ये वाला डिस्टेंस 1/2 6 मीटर है, इसी तरह ये 1/2 6 मीटर है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव है तो इसका मतलब देखें, 30 इसका मैग्नीट्यूड है, 30 × 6 कितना हो गया, 3 × 6 = 18, 180, और 180 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि आप जो ट्राइंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं कि लेंथ हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ इंटू 1/2। ठीक है,
तो 180 डिवाइडेड बाय 2 करें तो 90 आता है। अब पॉजिटिव है तो 90 आप सेंटर तक आ गए जी, 90, ठीक है, पॉजिटिव और अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब आपके पास अगली ट्राइंगल है, सेम एरिया है उसका, 190 उसका भी बनता है कि 6 मल्टीप्लाई बाय, ये 6 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2, लेकिन वो नेगेटिव में है, ठीक है। तो अब आपकी मूवमेंट में यहाँ से डिक्लाइन आना शुरू होगा, ठीक है, उतना ही डिक्लाइन आ गया और इधर आके ये जीरो हो गया। सो दिस इज, आई होप आपको समझ आई होगी। ये सिंपल चीजें हैं, चूंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट मूवमेंट डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ी सी, या मुझे कह लें, कंफ्यूजन थी। तो आप जिस चीज भी आपको समझ ना हो, उसको रफ पे शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करें और फिर उसको आप लोग उसकी मूवमेंट डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर दें। अच्छा, अब आप देखें कि इसकी मूवमेंट डायग्राम भी हमने देख ली कि 90 बनती है। अब हम जब इन तीनों फिगर, एक ये वाली, एक मिनट, अब जब हम इनको, इसको प्लस इसको प्लस इसको, इन तीनों को जब सम अप करते हैं तो हमारे पास ये फिगर बनती है, ये वाली, ठीक है। पहले अपवर्ड 90 था, देखें ये 90 था, फिर -20 हो गया दोनों साइड से, तो ऑब्वियसली फिर क्या रह गया इसमें, 70, 20 माइनस हो गया 70, तो यहाँ पे ये भी -20, ये वाला, ये मैग्नीट्यूड, और इसी तरह ये माइनस मैग्नीट्यूड, ये -20 यहाँ पे आ गया, तो टोटल हो गया 70। तो ये आपकी जो है ना मूवमेंट डायग्राम बनी, और इसको हम कहते हैं कि मूवमेंट डायग्राम कंस्ट्रक्टेड बाय मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। आई होप आपको समझ आई होगी। और फिर आगे है जी हमारे पास, एक प्रॉब्लम है जिसकी वो मोमेंट ऑफ सुपरपोजिशन के थ्रू हमने मूवमेंट डायग्राम जो है कैलकुलेट कर बनानी है। तो इस केस में क्या होगा कि हमने मतलब हमारे पास दो ही केसेस बनेंगे, पीछे तीन केसेस बन रहे थे, इसमें दो। एक केस होगा कि जिसमें हम पूरी बीम कंसिडर करेंगे और सिर्फ ये मोमेंट एक्ट होगा इस पे। दूसरा केस होगा कि जिसमें हम पूरी बीम कंसिडर करेंगे और ये जीवीएल एक्ट होगा, बस ये दो केसेस हमारे हैं इस पे। तो देखें, लेकिन उससे पहले हमने स्पोर्ट रिएक्शंस तो कैलकुलेट करने हैं, वो आई होप कि आपको आते हैं कैलकुलेट करना कि कैसे करते हैं, ठीक है। हमारे पास वर्टिकल लोड जो है वो 5 × 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एक्ट हो रहा है, और वो यहाँ पे एक्ट होगा, यानी कि 4 मीटर यहाँ से और 2 मीटर यहाँ से डिस्टेंस पे ये एक्ट होगा। 5 × 6 30 मल्टीप्लाई बाय 1/2 15, मतलब यहाँ पे एक्ट होगा तो 15। फिर उसके बाद आप इसको सिग्मा एफ वाई को जीरो और सिग्मा मोमेंट को जीरो करें तो आपके पास एक ये वर्टिकल फोर्स आ जाएगी और एक आपके पास ये वाली आ जाएगी, ठीक है। आई होप ये आपको आती है, हम बार बार कर चुके हैं इसको। अच्छा, अब इसने, आप देखें, इसने इस पॉइंट को कंसिडर किया कि जहां पे सपोर्ट है, और अब इसने क्या किया कि एक पहले इस फोर्स को कंसिडर किया 20 को, फिर कौन सी, फिर इस वर्टिकल सपोर्ट को कंसिडर किया 8.33 को, प्लस फिर इसने, चूंकि यहाँ पे रिजिड है तो इसको कंसिडर, 6.67 को ऑब्वियसली कंसिडर नहीं करेगा, चूंकि यहाँ पे रिजिड लगा हुआ है ऑलरेडी। और फिर तीसरी फोर्स इसने कंसिडर की ये वाली, मतलब जीवीएल। अब इसकी 1/1 इसको ड्रॉ करेगा मोमेंट डायग्राम। सबसे पहले इसकी ड्रॉ की इस डायरेक्शन में, ये इसको को रोटेट करेगा तो ये माइनस में आ गया, ठीक है, -20, ठीक है, ये 20। अब इधर ये कितना मोमेंट जनरेट कर रहा है, 8.33 × 6, तो इट मींस कि यहां पे मोमेंट जीरो होगा, यहां पे मोमेंट मैक्सिमम होगा, ठीक है। सो ये कहीं इस तरह से ट्राइंगल बनेगी, इस तरह से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पे आके मैक्सिमम, यहाँ पे खत्म, तो 8.33 × 6 इस तरह से, 8.33 × 6 करें तो 49.98 आता है, ठीक है। और ये यहां से स्टार्ट हो रही है इस 6 मीटर डिस्टेंस से, ये 2 मीटर पे कुछ भी नहीं है। अब हम आते हैं आगे कि इसका, अब हमें पता है कि यहाँ पे क्यूबिक कर्व, पैराबोलिक नहीं, क्यूबिक कर्व बनेगी मोमेंट डायग्राम की, ठीक है, पैराबोलिक कर्व बनेगी शियर फोर्स के लिए। तो ये इसका मोमेंट, इसने अब हमें, हमने यहाँ पे कैलकुलेट भी किया था, 5 × 6 30, अच्छा 1 बाय कितना था हमारा जो मोमेंट, एक मिनट में आपको बाय हैंड भी बता दूं,
रिलेटिवली इजी है बताना। यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था कि हमारा जो जब हमने इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया तो वो था 5 × 6, 30 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 15 आ गया पॉइंट लोड 15। और ये वाली लेंथ कितनी है? 2, ठीक है। तो 15 × 3 कितना हो गया? 30। तो इट मींस कि 30 का मैक्सिमम जो है वो 30 मैक्सिमम मोमेंट है इस जगह पे। कितना मोमेंट लग रहा है? 30। तो 15 × 2, 30 हो गया। और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? इस पॉइंट से जहां से जीवीएल लग रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट से, तो ये यहाँ पे आके यहाँ इस तरह से और मैक्सिमम 30 पे चला जाएगा, -30, और फिर ठीक है। सो दिस इज हाउ। अब आपने क्या करना है कि इन तीनों को कंबाइन करना है। तो तीनों को कंबाइन कैसे करना है देखें। -20 नीचे है, पहले माइनस माइनस वालों को ऐड कर लें। -20 नीचे है, इधर -30 है, तो -50 हो गया। और ये भी ऑलमोस्ट 50 है क्योंकि ये पॉइंट्स में है, तो ये भी 50 है, ठीक है। 49.98 ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 50, चूंकि 8.33 समथिंग है ना, तो ये भी 50 है। तो इट मीन्स कि ये जीरो हो गया। यहाँ पे मोमेंट कितनी हो गई? जीरो। और इधर से इस पॉइंट से इधर तक सिर्फ 20 है, सिर्फ 20, ये वाली -20, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी यहां से ये इसको देखें, अब आप इसको अगर सम करें तो ये देखें, यहां तक सीधा सीधा स्ट्रेट 20। और फिर चूंकि ये पैराबोलिक कर्व है और ये है कौन सी कर्व, ये तो सीधा स्ट्रेट फर्स्ट डिग्री है, तो इनका उन्होंने क्या, चूंकि यहाँ पे इसका प्रॉपर जो है ना कुछ मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो इसने प्लस करके इस तरह से फिगर बना ली है और आके ये जीरो कर रहा है। तो इतना इसका डिफरेंस आ रहा है, चूंकि यहाँ पे पैराबोला है, यहाँ पे ट्राइंगल है, तो वो कंपेयर, चूंकि इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे 30 है, अगर इसका भी यहाँ पे भी 50 होता तो फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट जो स्ट्रेट लाइन आती, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे एक ट्राइंगल है, अगर आप इसको हाफ लेंथ से कंसिडर करें तो इसका पीक यहाँ से ज्यादा होगी। और इसी तरह एक ट्राइंगल है जिसकी मैक्सिमम पीक है 50, दूसरी ट्राइंगल है जिसकी मैक्सिमम पीक है 30। दोनों को आप हाफ लेंथ से कंसिडर करें तो ऑब्वियसली जिसकी पीक 50 है उसका एरिया ज्यादा होगा। इसका एरिया ये 4.84 का गैप जो है वो इस एरिया का गैप है, इस जगह का और इस जगह का आपस में गैप है, तो ये वो चीज है। बाकी यहाँ पे देखें मोमेंट जीरो है, जो मैंने आपको बताई थी कि -20, -30, -50 हो गया, और इसी तरह ये वाला 50 इसको बैलेंस कर रहा है, तो यहाँ पे देखें मोमेंट जीरो है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू ड्रॉ मोमेंट डायग्राम्स बाय मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। ये इसकी डिफ्लेक्टेड शेप है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और होती है कि जो पीछे हम मोमेंट डायग्राम्स कैलकुलेट करते हैं, एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि जब ये वाली शेप बनेगी, ये वाली शेप, तो उसे हम कहते हैं कि पॉजिटिव मोमेंट, यानी कि बेंडिंग। मतलब ये वाली शेप किस तरह, जो डिफ्लेक्टेड शेप किसी बीम की या किसी स्ट्रक्चर की, किसी फ्रेम की, जब ये वाली शेप बनेगी कनकेव अपवर्ड, ठीक है, कनकेव अपवर्ड होगी, तो उसे हम कहते हैं कि दिस इज द पॉजिटिव मोमेंट इन द स्ट्रक्चर, इन दैट पर्टिकुलर बीम और इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, तो इसे हम कहते हैं कि पॉजिटिव मोमेंट है। इसी तरह अगर कनकेव अपवर्ड हो, कनकेव अपवर्ड हो, तो उसे हम कहते हैं कि नेगेटिव मोमेंट। तो कनकेव अपवर्ड वाला पोर्शन हमारे पास यहाँ पे ये है, ठीक है, और इसी तरह कनकेव डाउनवर्ड वाला पोर्शन हमारे पास ये है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव मोमेंट है, ये नेगेटिव मोमेंट है, ठीक है। ये इसकी ये जो रेड लाइन वाली है ये डिफ्लेक्टेड शेप बनाई हुई है, और ये मतलब उल्टी जो डिफ्लेक्टेड शेप है वो मोमेंट डायग्राम के उल्टी बनती है। अब ये इसकी मोमेंट डायग्राम बनाई हुई है देखें, तो ये नेगेटिव है, इट मींस कि दिस इज द दिस विल बी कनकेव अपवर्ड, इसकी डिफ्लेक्टेड शेप यूं बनेगी, ये नीचे बनाई हुई है। और यहाँ जहां से ये मोमेंट जो है अपना पॉइंट जो चेंज करे या साइन चेंज करे, उस साइन पे जाए, यानी कि जहां पे मोमेंट जीरो हो और उसी पॉइंट पे शियर फोर्स मैक्सिमम होता है, तो जहां पे मोमेंट जीरो हो उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं।
तो ये जगह इधर मोमेंट जो है वो जीरो है और शियर फोर्स यहाँ पे मैक्सिमम होगी। अब ये इसका उल्टा है कि जहां पे कनकेव अपवर्ड शेप बनेगी, जिस तरह यहाँ पे डाउनवर्ड था, ठीक है, तो जहां पे कनकेव अपवर्ड बनेगी उसे हम नेगेटिव मोमेंट कहते हैं। अब ये केस वो आपको समझा रहा है कि इसकी मोमेंट डायग्राम इस तरह से बनेगी, ठीक है। अब ये वाली शेप है जहां पे कनकेव अपवर्ड बन रहा है, तो यहाँ पे मोमेंट जो है नेगेटिव है, और ये वाली शेप जहां पे डायग्राम ऊपर वाली साइड आ रही है तो इट मींस के मोमेंट पॉजिटिव है, और इसी तरह डिफ्लेक्टेड शेप इस शेप में बन रही है। तो अब इसकी डिफ्लेक्टेड शेप कैसे बनेगी? इसकी डिफ्लेक्टेड शेप यूं बनेगी, ठीक है, यूं, ये इसकी डिफ्लेक्टेड शेप है, ठीक है। देखिए हम यहां से कनकेव अपवर्ड था तो यहां से डिफ्लेक्टेड शेप भी वो वैसे ही बनेगी, और ये आ गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये वाला पॉइंट। सो दैट्स इट। आई होप आप लोगों को इसको जब लेक्चर खोल के साथ में प्रैक्टिस करेंगे और ये मेरी जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये सुनते जाएंगे, आई होप आप इसको इनशाला इनशाला लाजमी कर लेंगे। फिर भी अगर आपसे नहीं होता तो यू कैन आस्क क्वेश्चन, लेकिन आप क्वेश्चन इस तरह से करें कि आपको जो रिलेटिव जो स्पेसिफिक पार्ट उस लेक्चर का नहीं आता वो पूछें। अगर आप ये कहें पूरे क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो दिस इज यू नो ये एक ऐसी बात है जो एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑलरेडी मैं आपको क्लास में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लास्ट लेक्चर में भी, तो अभी भी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड यहाँ तक का आपका जो है मिड का कोर्स है। सो थैंक यू।